तो हेलो गाइस, नमस्कार, प्रणाम, गुड मॉर्निंग। और आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि आप बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ रहिए और हाँ, ठंडी से भी बच के रहिए, क्योंकि ठंडी जो है अपना असर दिखा रहा है, बहुत ही तेजों का कुहासा है। इधर देखिए, मेरा बेटा जो है खेल रहा है, और देखिए पूरा जो है एकदम पूरा अंधेरा है, देख रहे हैं, पूरा जो है कुहासा छाया हुआ है। और अभी जो है दिन का 8 बजने वाला है, फिर भी लग रहा है कि एकदम शाम की तरह जो है अंधेरा लग गया है। तो आज जो है हम आप लोग के लिए ब्लॉग में लेके आए हैं कि आज हम आलू का सब्जी बनाएंगे, जिसके सामने हो जाएगा मछली भी फेल। तो आज हम आलू का सब्जी कैसे बनाएंगे, तो आप लोग जो है देखने के लिए बस हमारे ब्लॉग में बने रहिए। देखिए, पहले जो है इसको हम छील लेंगे इस तरह से, ठीक है। और सुबह का टाइम है तो हमें खाना भी जल्दी जल्दी बनाना है। ये देखिए, पहले जो है इस तरह से हम आलू को छील लेंगे। इस तरह से जो है छील के इसे जो है रख लेंगे। और अगर आप चाहें तो छील का सही भी काट सकते हैं। और हाँ, आप लोग से ये भी हम कहेंगे कि हर दिन जो है हम अपने चैनल पे अच्छे अच्छे मैथिली में गाना डालते हैं शादी विवाह मुंडन के, तो आप लोग देखिए और ढेर सारा प्यार दिला दीजिए। तो ये देखिए, आलू जो है अभी हम छील रहे हैं, और आप लोग हमारे ब्लॉग में बने रहिए, रुक कर रखने जाना। तो देखिए, हमने जो है आलू को छील लिए हैं इस तरह से, और इसको जो है हम पहले धो लेंगे, क्योंकि कोई भी सब्जी जो है आप पहले जो है धो ले उसके बाद काटें, क्योंकि इसके जो है धोने मतलब काटने के बाद धोते हैं तो इसका पूरा विटामिन जो है पानी के साथ बह जाता है। तो इसीलिए कोई भी सब्जी हो और फल फ्रूट हो तो उसे भी आप पहले धो ले तब खाएं। कितने लोग कहते हैं ये देखिए, इस तरह से जो है हम इसको धो लिए, और देखिए इस तरह से धो के, और अब हम जो है इसको देखिए कैसे काटते हैं। हाँसू को भी धो लेते हैं, क्योंकि घर हमारा मिट्टी का है तो कहीं भी रहता है सो मिट्टी लग जाता है, इसीलिए जो है ये देखिए इस तरह से जो है हम इसको, जिस तरह से जो है हम लोग पकौड़ा छान पकौड़ा कहते हैं जिसको, और हमारे मैथिली भाषा में कहे छे एक तरुआ, ये देख लियो कि ना कट रही है। देखिए इस तरह से जो है इसको पतला पतला काट लिया। मम्मी कढ़ाई चढ़ा दिया और सब्जी बनेगा अब। हाँ, देखिए इसमें जो है हमने तेल दिया आ रहा है चलने में, ठंडा है। टोपी कहाँ नहीं लगाया है? टोपी गाड़ी पर। तो घर पे रहेगा, घर पहनेगा क्या? हाँ, टोपी पहन के रहो बेटा, ठंडी है ना। पहले हम इस तरह से इसको भूज के, तो ये देखिए हमने जो है जब तक आलू भुना रहा है तब तक हमने इसका मसाला तैयार किया है। ये इसमें है सरसों लहसुन, इसमें जितना सरसों लहसुन दीजिए, लहसुन थोड़ा ज़्यादा दीजिए, जितना लहसुन दीजिए उसका टेस्ट जो है बढ़ेगा। तो सरसों लहसुन हमने पीस के रखे हैं, ये मिर्ची पाउडर है, हल्दी है, धनिया पाउडर है, नमक है, एक साथ रखे हैं, इसको देख रहे हैं। इसे हम निकाल लेते हैं इस तरह से, चुका है अभी लग रहा है ये पूरा सीज गया है। ये सब्जी जो है जल्दी से बनेगा, इसको हम यहाँ पर रखते हैं। इसमें थोड़ा सा तेल फिर से हम डालेंगे, मसाला तैयार करना है। ये रहा राई, काला सरसों जिसको कहते हैं, ये देखिए ये हम थोड़ा सा डाल देंगे इसमें। Oh.
और मसाला जो है इसको हम तैयार करके रखे हैं, तो इसमें जो है हम डालेंगे ये उड़ रहा है इसको चलते सारा मसाला को भी इस तरह से जो है मसाला को हम तैयार करेंगे, थोड़ा अच्छे से जो है उसको भूजेंगे। और आप लोग शायद आप लोग को भी पता चल रहा होगा कि मछली का भी मसाला इसी तरह से भुजाता है। सबसे मेन है इसका मसाला ही तैयार अच्छे से होना है, ताकि इसका टेस्ट जो है मछली की तरह बने। और इसमें जो है हम थोड़े से पानी डालेंगे, ये देखिए मिक्सी में पीसे होते हैं, सरसों वाला ही पानी है, इसको भी हम इसमें डाल के मिलाते हैं। अभी पूरा नहीं डालेंगे, थोड़ा सा डाल रहे हैं, ये देखिए। इसमें जो है ये सरसों का पिसा हुआ जो पानी था, और ये पानी है इसमें हम डाल देते हैं, क्योंकि इसमें जो है नमक वमक डाल के पूरा मसाला भी तैयार करके रखे हुए हैं। और इसको उबलने तक का जो है हम इंतज़ार करेंगे, नहीं तो अभी हम डाल भी सकते हैं, डाल ही देते हैं, क्योंकि हमें लेट हो रहा है सब्जी में, बच्चे लोग स्कूल जाने वाले हैं, तो इसको डाल देते हैं, अच्छा जो है उबल जाएगा अच्छे से। तो ये देखिए, अब देखिए दोस्तों हो गया सब्जी बनके तैयार, और हमें स्कूल भी जाना है। हाँ तुम्हारे लिए ही, तो ये देखिए धनिया पत्ता है, ऊपर से डाल देते हैं। और सब्जी का ये देखिए टेस्टी ही लग रहा है देखने से ही, है ना सुब्रत? हाँ बहुत खुशबू भी आ रहा है, खुशबू आ रहा है। हाँ। सब्जी का कलर देखिए, तो देखिए लग रहा है जैसे मछली हमने फ्राई की है। तो आप लोग भी अगर इस तरह से बना के खाइए घर में, अगर हरा सब्जी का सेवन नहीं है, मतलब आलू है खाली, तो इस तरह से बनाइएगा सब्जी, तो बहुत टेस्टी लगेगा, आप पूरे परिवार के साथ खा सकते हैं, और मतलब मछली की तरह बिल्कुल स्वाद आएगा जिस तरह से हमने बनाया, और आप लोगों को देखने से ही लगेगा। तो हमारा वीडियो कैसा लगा, अगर वीडियो अच्छा लगा और सब्जी कैसा लगा तो आप कमेंट में जरूर बताइएगा, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा।